वेलकम फ्रेंड्स, हेल्पडेस्क चैनल में आप लोगों को फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे YouTube में शॉर्ट्स के बारे में। तो YouTube शॉर्ट्स होता क्या है, कैसे इसको अपलोड किया जाता है, कैसे इसको कैप्चर किया जाता है, कैसे इससे आदमी को इनकम होता है, ये सब मिला के एक ही वीडियो में पूरा का पूरा पैकेज आपको देखने को मिलेगा। तो इसके लिए स्किप मत कीजिए, वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। मेरा दावा है कि इस वीडियो को देखने का बाद शॉर्ट्स को लेकर आपका मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। अगर फिर भी कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उसको क्लियर कर देंगे। तो वीडियो में चला आता है कि शॉर्ट्स, यूट्यूब शॉर्ट्स कब से आया। आया तो बहुत दिन से ही, लेकिन इसका जो डिमांड है ये अभी अभी बहुत पॉपुलर होने लगा है, क्योंकि कुछ दिन पहले यूट्यूब से एक अपडेट आया है जिस अपडेट में बताया गया कि YouTube जो शॉर्ट्स है वो बना के भी आपका जो YouTube चैनल है ये मोनिटाइज हो सकता है, उससे आपको इनकम हो सकता है। तो इसी जो डिक्लेरेशन का बाद बहुत सारा जो यूट्यूबर्स था वो ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट्स बनाना चालू कर दिया है और शॉर्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा वायरल भी होता है। तो अभी हम लोग जान लेते हैं कि शॉर्ट्स कैसे कैप्चर किया जाता है। पहले तो कैप्चर करना पड़ेगा, उसके बाद ना आप अपलोड कीजिएगा। तो इसके लिए पहला जो ऑप्शन हम लोग को जानना होता है वो है कि YouTube में जो शॉर्ट्स लिया जाता है इसका जो रेशियो है वो है 9:16। इसका मतलब जैसे हम लोग YouTube में लॉन्ग वीडियो बनाते हैं उसी लॉन्ग वीडियो को अगर सीधा करके आप देखिएगा, जैसे कि हम आपको दिखा देते हैं इसी जो मोबाइल है इसको, आपको जो लॉन्ग वीडियो हम लोग कैप्चर करते हैं तो इस टाइम में ऐसे पकड़ते हैं हम लोग, लेकिन नहीं, अगर आपको शॉर्ट्स बनाना है तो इसको ऐसे लंबाई में लेना चाहिए। तो लंबाई में लेके आपको शॉर्ट्स बनाना है तो इसका रेशियो रहता है 9:16। अभी शॉर्ट्स क्यों और लॉन्ग क्यों, लॉन्ग और शॉर्ट्स में डिफरेंट क्या है। लॉन्ग वीडियो तो आपका जितना मर्जी आप बना सकते हैं, टाइमिंग का कोई लिमिटेशन है नहीं, लेकिन लॉन्ग शॉर्ट में आपका लिमिटेशन है। इसका मतलब आपका 15 सेकंड्स का एक शॉर्ट्स होता है और एक है 1 मिनट तक। अगर आप 15 सेकंड्स का अगर आप शॉर्ट्स कीजिएगा तो उसमें क्या आप कर सकते हैं, म्यूजिक ऐड कर सकते हैं, आपका जो कोई भी म्यूजिक ऐड कर दीजिए वो भी बिल्कुल फ्री, उसमें कोई कॉपीराइट नहीं आने वाला है। और साथ साथ में अगर आप 1 मिनट तक वीडियो करना चाहते हैं ये अगर शॉर्ट्स वीडियो, तो उसके लिए आपको खुद का म्यूजिक या खुद का वॉइस उसमें डालना पड़ता है या एडिटिंग करना पड़ता है। अभी बात कर लेते हैं कि शॉर्ट्स वीडियो जो होता है ये यूट्यूब ने मोनिटाइज करने के लिए जो डिक्लेयर किया है उसका लिमिटेशन के बारे में थोड़ा सा। हम लोग का जो शॉर्ट्स है, इसी शॉर्ट्स वीडियो को अगर 90 डेज का अंदर में 10 मिलियन व्यूज हम लोग ला सकते हैं तो हम लोगों का चैनल जो है वो मोनिटाइज हो जाएगा। और 1000 सब्सक्राइबर तो मिनिमम होता ही है, वो तो आपको हो ही जाएगा अगर 10 मिलियन आपको व्यूज़ आ जाएगा तो। तो शॉर्ट्स वीडियो में 10 मिलियन आपका अगर व्यूज़ आ जाता है तो आपका चैनल तो सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट्स को देखकर मोनिटाइज हो जाएगा। तो शॉर्ट्स वीडियो, अगर आपको लगता है कि शॉर्ट्स वीडियो में 10 मिलियन ये तो बहुत होता है और भी 90 डेज में ये आपको लगता है, लेकिन क्या होता है अगर देखिएगा आपका जो शॉर्ट्स वीडियो है ये बहुत जल्दी वायरल होता है। अगर एक वीडियो अगर वायरल हो जाएगा तो देखिएगा उसमें 1 मिलियन 2 मिलियन व्यूज़ आना कोई बात ही नहीं होता है। तो इसी चक्कर में अगर शॉर्ट्स बनाइएगा तो हो सकता है आपका लक अच्छा हो और उसको वायरल हो जाने का बाद सिर्फ शॉर्ट्स से ही आपका चैनल मोनिटाइज हो सकता है। तो अभी हम लोग वो छोड़ के फर्स्ट जान लेते हैं कि कैसे हम लोग इसको कैप्चर करेंगे। इसके लिए हम लोग पहले चले जाएंगे YouTube का ऐप्स में, वहाँ पे जाके देखिए इसमें जो प्लस साइन है ना वो प्लस साइन में चला जाइए। प्लस साइन में जाने का बाद आपको क्रिएट शॉर्ट का ऑप्शन मिलेगा। क्रिएट शॉर्ट में क्लिक करने का बाद आप देखिए यहाँ पे जो स्क्रीन में आ गया है यहाँ पे फ्लिप ऑप्शन है। फ्लिप का मतलब होता है बैक कैमरा और फ्रंट कैमरा। तो बैक कैमरा जैसे जैसे बैक कैमरा दिख रहा है और फ्रंट कैमरा, ऐसे आप फ्रंट कैमरा से भी आप शॉर्ट्स ले सकते हैं बैक से भी। उसके बाद है टाइमिंग 1x 2x, आप स्पीड अगर बढ़ाना चाहते हैं वीडियो को, अगर बहुत पूरा आपको डालना है यहाँ पे तो आप वीडियो को ज़्यादा स्पीड बढ़ा सकते हैं। उसके बाद आ गया टाइमर, अगर आपके पास वीडियो कैप्चर करने के लिए कोई है नहीं, आप खुद से वीडियो लेना चाहते हैं तो टाइमर आप सेट कर सकते हैं यहाँ से, कुछ क्लिक करने का 5 सेकेंड 10 सेकेंड बाद वो वीडियो स्टार्ट होगा। उसके बाद आता है देखिए ग्रीन स्क्रीन,
ये ग्रीन स्किन ऑप्शन बहुत अच्छा है। यहाँ पे देखिए हम ग्रीन स्किन को चेंज करके दिखाते हैं आपको कि सी साइड में मैंने घर में बैठ के सी साइड का बैकग्राउंड दिया, आपको दिखाया कि सी साइड में हम वीडियो शूट कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, इसको यूज़ करना बहुत ही आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाला है। तो इसका बाद जो ऑप्शन है देखिए नीचे का फिल्टर ऑप्शन, तो फिल्टर ऑप्शन में आप फिल्टर कर सकते हैं आपका जो आप फिल्टर यूज़ ही कर चुका होगा कि फिल्टर में आपका जो एक्चुअल इमेज है इसको और भी ब्राइट दिया जाता है और भी खास लग सकता है अगर आप फिल्टर यूज़ कीजिएगा। तो फिल्टर यूज़ करने का बाद हम लोग का जो आ जाता है नेक्स्ट ऑप्शन वो है कि ऊपर में देखिए नेक्स्ट ऐड साउंड का ऑप्शन दिया जाता है। तो ऐड साउंड में जाने से आपको म्यूज़िक मिल जाएगा, ऐसे जैसे म्यूजिक मिल गया म्यूजिक को आप फ्री में यूज़ कर सकते हैं। मैंने पहले भी बता दिया कि अगर आप म्यूजिक यूज़ कीजिएगा तो 15 सेकेंड का आपका वीडियो बनेगा और अगर म्यूजिक आप नहीं लीजिएगा तो आप 16 सेकेंड तक यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए आपका यहाँ पे देखिए ये ऊपर वाला कोना में 15 सेकेंड है, यहाँ पे क्लिक करने से 16 सेकेंड हो जाता है। अब अगर आपके पास पहले से वीडियो किया हुआ है, एडिट किया हुआ है, तो आप यहाँ से ये देखिए नीचे वाला साइड से यहाँ से आप वो वीडियो को सिलेक्ट कर सकते हैं और वो वीडियो सिलेक्ट करके आप उसको शॉर्ट्स में उसको पब्लिश कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। तो हम लोग एक वीडियो कैप्चर करके देख लेते हैं, जैसे हम ये वीडियो को स्टार्ट किया और वीडियो एक कैप्चर करके देख लेते हैं 15 सेकेंड का वीडियो। ये 15 सेकेंड हो गया तो उसके बाद देखिए नीचे का चार ऑप्शन मिला, साउंड, टेक्स्ट, ये टाइमलाइन, जैसे हम लोग कुछ लिखना है उसी वीडियो में नीचे में तो यहाँ से हम लिख सकते हैं। मैंने हाई लिख के आपको दिखा दिया कि ऐसे कुछ हम लोग लिख सकते हैं और साथ साथ में नीचे का जो देखिए टाइमलाइन ऑप्शन है, फिल्टर ऑप्शन है, ये भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो नहीं तो हम लोग डायरेक्ट अपलोड ही कर देते हैं। तो अपलोड में क्लिक करने से देखिए यहाँ पर जो शॉर्ट्स का जो टाइटल दिया जाता है, तो टाइटल में पहले आप दीजिए, मेरा जो सजेशन होगा कि हैशटैग जो शॉर्ट्स, हैशटैग शॉर्ट्स आप लगाइए, उसके बाद या उसका पहले आप जो भी टाइटल लगाना है लगाइए, पर ये लगाइए और नेक्स्ट पब्लिक और अनलिस्टेड, अगर आप पब्लिक कीजिएगा तो सबको दिखेगा, ये तो कॉमन आपको मालूम ही है। और लास्ट में ये किड्स के लिए है, मतलब चाइल्ड के लिए है कि नहीं है ये आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो उसके बाद आप इसको अपलोड शॉर्ट्स कर दीजिए तो इसमें ये अपलोड हो जाएगा। तो इस यही था अपलोड और कैप्चर करने का जो तरीका, ये हम आपको बता दिया। अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि शॉर्ट्स बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। आपके पास जो एंड्रॉयड मोबाइल है ये सफिशियंट है आपको कैमरा का जो रिक्वायरमेंट है इसको पूरा करने के लिए, और उसके ज़्यादा आपको चाहिए एक माइक्रोफोन। जो माइक्रोफोन आपको चाहिए इसीलिए कि अगर आप बाहर में शूट कर रहे हैं तो बहुत सारा नॉइज़ आ सकता है, तो नॉइज़ को रिमूव करने के लिए अगर एक एक्सटर्नल आप माइक्रोफोन यूज़ कीजिएगा तो अच्छा होगा। उसके बाद बताते हैं अगर आप घर का अंदर में ये शूट कर रहे हैं तो इसमें अगर लाइट सफिशियंट नहीं है तो एक रिंग लाइट आप ले सकते हैं घर का अंदर में आपको कैप्चर करने के लिए। अगर आप बाहर में कैप्चर कर रहे हैं तो आपको लाइट तो फ्री ही है। तो ये दो तीन चीज़ आपको अगर ख़रीदना पड़ता है तो उसका डिटेल्स मेरा जो ये इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से आप वहाँ से भी परचेस कर सकते हैं। तो अगर आपके पास अभी भी शॉर्ट्स को लेकर कुछ भी डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट्स में कमेंट कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल ऑप्शन जो है उसको तो दबाना ही दबाना है क्योंकि आने वाला जो सब वीडियो है वो वीडियो का लिंक आपके पास तुरंत चला जाएगा।